हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो गाइस, बहुत टाइम के बाद आज मैं जा रही हूँ, सॉरी महीनों के बाद आज मैं घर जा रही हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी तो इतना अंधेरा था और इतनी ठंड थी। तो देखो गाइस, मैं कैसे पैक होके जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी इतनी सुबह सुबह, और संजौली में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह शाम। तो फिर अभी मैं यहाँ पहुँची संजौली चौक। तो अब मैं यहाँ बस का वेट कर रही हूँ, जो भी बस पहले आएगी मैं उसी बस में जाऊंगी। अब बस का इंतज़ार है, और पहली बार इतनी सुबह सुबह जा रही हूँ। देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ठंड से बुरे हाल हो गए थे। और सबसे पहले आई दिल्ली रिकॉन्गपियो बस, तो मैं इसमें बैठ गई, और इसमें इतना रश था तो मुझे लास्ट सीट मिली। तो उसके बाद ही जावली में रुकी थी ब्रेकफास्ट करने, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मैं बस में बैठ गई, और अभी मैं रामपुर में पहुंची थी, इतनी तेज़ धूप लगी थी रामपुर में तो। और फिर उसके बाद अब ये रहा रिकॉन्गपियो, रिकॉन्गपियो पहुँच चुकी हूँ मैं। मैं दिल्ली पर बस में सोई हुई थी, मैंने भी नहीं करा था कुछ करने का, और लास्ट सीट में बैठी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फाइनली गाइस, तो मैं रिकॉन्गपियो पहुँच चुकी हूँ बड़े दिनों के बाद। और यहाँ मैं अभी काकी का वेट कर रही थी, तो काकी मिली मुझे पियो में ही। तो उसके बाद हम दोनों कुछ खाने चले गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, तो भूख लग रही थी। फिर हम मोमोज खाने आ गए रिकॉन्गपियो में, तो फिर हमने मोमोज खाए। मोमोज खाने के बाद अब घर जाना था, तो घर के लिए अब हम दोनों चल रहे हैं। घर आते ही यहाँ पे सैना बेटू और रोहित भी था, बाकी अभी टाइम नहीं मिला मुझे सबसे मिलाने का। उसके बाद हम कुछ और में गए, शॉप बंद हो चुकी थी, तो हम लोग शॉप खोल रहे हैं अभी। बाकी मैं घर क्यों आई हूँ कल के ब्लॉग में बताऊंगी। बाय, टेक केयर।